मेरा सवाल ये है जी, फरमाइए। यहाँ पे मस्जिद है यानी कि ईशा के बाद, यहाँ पे मस्जिद में ईशा के बाद जो है हफ्ते में 3 या 4 दिन कुछ मौजू के ऊपर बयान होता है, बयान के बाद जो है इज्तिमाई दुआएं होती हैं, तो ये क्या इदत है जिसमें हम क्या बैठ सकते हैं? सरफराज भाई, इज्तिमाई दुआ? जी, इज्तिमाई दुआ है, हफ्ते में 3-4 दिन होता है ईशा की बात जी, जी जी देखिए इज्तिमाई दुआ है, सही जी। इज्तिमाई दुआ, दुआ एक इबादत है और इबादत की जो हैअत और कैफियत होनी चाहिए, उसकी सिफत होनी चाहिए, वो भी तौकीफी है। यानी दुआ की जो सिफत और कैफियत होनी चाहिए वो भी साबित होनी चाहिए, और इज्तिमाई दुआ ये एक खास कैफियत है। इज्तिमाई तौर से दुआ करना ये एक खास कैफियत है। अब अगर इस खास कैफियत में आप दुआ करते हैं तो ये साबित होना चाहिए। तो इस तरह सर्च के बाद इज्तिमाई दुआ करना ये साबित नहीं है। अलबत्ता इस तरह से किया जा सकता है कि जैसे दर्श में वाजो नसीहत होती है, दर्श देने वाला अपने लिए और सारे हाजरीन के लिए अपने दर्श के अंदर दुआ करता है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबों में किया करते थे, तो उस तरह से वो दुआ कर सकता है। दर्श में जाहिर है, दर्श है, खुतबा है, वास है, नसीहत है, उसमें वो दुआ कर रहा है आखिर में सबके लिए, उसमें अपने लिए भी दुआ करे, सारे मुसलमानों के लिए दुआ करे, तो इसको इज्तिमाई दुआ नहीं कहेंगे। इज्तिमाई दुआ ये है कि दर्श खत्म हो गया, अब जो दर्श देने वाला है हाथ उठा रहा है, दुआ कर रहा है, पीछे पीछे लोग आमीन बोल रहे हैं, ये कैफियत साबित नहीं है, इस कैफियत के साथ दुआ नहीं करना चाहिए। जी सरफराज भाई, मजीद कुछ पूछना है इस पर, इसी सवाल से जी, इस मजलिस में बैठ सकते हैं? जी, इस मजलिस में बैठ सकते हैं क्योंकि ईशा के फौरन बाद हो जाता है। जी शेख, बैठ सकते हैं, क्या पूछ रहे हो आप? दर्श सुनिए और जब दर्श खत्म हो जाए आप चले आए, और अगर आप इस्तेआत रखते हैं तो उनको समझाएं भी कि भाई दुआ की ये कैफियत साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी वाजो नसीहत की मजलिसें लगती थी, क्या उन मजलिसों के अख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ की जाती थी? नहीं। तो शेख, मतलब उमूमी दर्स के बाद भी नहीं कर सकते इज्तिमाई दुआ? देखिए, मैंने उसकी दो शक्लें बताई। एक तो ये है कि जो वाज करने वाला है, दर्स देने वाला, जैसे अब हम अभी मैं कुछ दर्स दे रहा हूँ, मैं आखिर में उमूमी दुआ करता हूँ सारे लोगों के लिए, अपने लिए भी, तमाम सुनने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, तो इसको इज्तिमाई दुआ नहीं कहेंगे। वो खतीब या वाइज जो है वो दुआ कर रहा है। इज्तिमाई दुआ ये है कि बाकायदा वो दुआ करे, पीछे लोग आमीन बोले, इज्तिमा उसके साथ शामिल हो, उसके साथ उस दुआ में शामिल हो, तो ये दुआ साबित नहीं है। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर।